दोस्तों, जब कोई साधारण इंसान कुछ बड़ा कर देता है ना, तो अपने आप ही वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है, यार ये तो बिल्कुल अपनी तरह का बंदा है, और जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का किराए के दो कमरे के छोटे से मकान में रहता था। जब बहुत छोटा था तब पड़ोस के एक बच्चे के पास लाल साइकिल देखकर मन मचल गया। पिता से साइकिल दिलाने की जिद की तो पिता ने कहा, मैं कोई टाटा बिल्डर थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करता रहूं। मैंने माँ से जाकर पूछा कि ये टाटा बिरला क्या होता है, तो माँ ने पीछा छुड़ाते हुए बोला, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। संदीप ने तुरंत फैसला कर लिया कि उसे भी टाटा बिरला की तरह ही बनना है। उसके फैसले पे सभी हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। जब संदीप लगभग 15 साल के थे तब उनके परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उनके पिता का लगभग 20 साल पुराना एल्युमिनियम का बिजनेस था। पार्टनर्स से हुए झगड़े की वजह से उन्हें वो बिजनेस छोड़ना पड़ा। ये संदीप के परिवार पर एक बड़ा संकट था। बिजनेस छोड़ने के बाद संदीप के पिताजी भी चिंता में रहने लगे थे। अब संदीप को लगा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए, तो वो छोटे मोटे काम करने लगे। एसटीटी पीसीओ चलाया, नहीं चला। कॉल सेंटर में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। हर तरफ से संदीप को हार का मुंह देखना पड़ रहा था। वो पूरी तरह से टूटते जा रहे थे। उसी बीच वो एक सेमिनार में गए। 3 घंटों में वहां उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंत में जब एक लड़के ने स्टेज पे खड़े होकर बताया कि उसकी उम्र 21 साल है और वो महीने का 2.5 लाख कमाता है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा, जब इस 21 साल के लड़के के लिए महीने का 2.5 लाख कमाना आसान है तो उनके लिए क्यों नहीं। और वही संदीप के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। संदीप की रुचि मॉडलिंग और फोटोग्राफी में थी। उन्होंने मॉडलिंग की एक कोर्स की और मॉडलिंग की दुनिया में आ गए। संदीप ने कॉलेज लेवल पर मॉडलिंग शुरू की। जब उस फील्ड में थोड़ा घुसे तो पता चला कि हर दूसरा आदमी मॉडल बनना चाहता है। मॉडल्स का शोषण देखकर उन पर काफी गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में जूझ रहे मॉडल्स की मदद करने की ठान ली। इसीलिए उन्होंने मैश ऑडियो विजुअल नाम की कंपनी खोली जो मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाती थी। लेकिन इस कंपनी में भी उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली और वो फेल हो गए। उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते गए। अब उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और 2003 में मात्र 10 घंटे में लगभग 100 मॉडल्स के 10,000 फोटो क्लिक किए और एक विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इस रिकॉर्ड से संदीप को काफ़ी पहचान मिली। वर्ष 2006 में उन्होंने अपनी वेबसाइट इमेजेस बाजार लॉन्च की, लेकिन शुरुआत में बस कुछ ही इमेजेस थे और थोड़े ही फोटोग्राफर थे। मगर आज इस वेबसाइट पर विश्व के सबसे ज़्यादा भारतीय चित्र हैं और हर साल ये कंपनी करोड़ों कमाती है। इतनी सफलता पाने के बाद भी संदीप रुके नहीं और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से युवाओं को प्रोत्साहित करने का मिशन शुरू किया। आज भी वे जगह जगह मोटिवेशनल सेमिनार करते हैं और लाखों लोगों को अपने सपने साकार करने की प्रेरणा देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वे सभी सेमिनार मुफ्त में करते हैं। संदीप का जीवन हमें यह सीख देता है कि भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उनका कहना है कि गलती इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।